जिस घड़ी का मुझे पूरे साल भर इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मैं जा रही हूँ अपने घर, मेरे रूम को टाटा बाय बाय बोल के, और रूम पूरा 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 क्लीन किया एकदम, क्योंकि हमें रूम सब क्लीन करने जाना होता है। भले ही वापस यही रूम लेंगे हम, पर पूरा रूम क्लीन चाहिए होता है एकदम। सारे कबर्ड्स वबर्ड्स सब खाली करके जाओ तुम। ये तो अभी यूज़ करने से रहता, बाकी सब खाली है। सी ये हूँ मैं, इस बार थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, दुबली पतली होके जा रही थी, तो इस बार चलो चलते हैं घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ मॉस्को में, डे वन है मेरा मॉस्को में। मेरी फ्लाइट है लेकिन डेढ़ दिन के बाद है, डेढ़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वन एंड हाफ होता है। हाँ, तो मेरी फ़्लाइट वन एंड हाफ के बाद है, डेढ़ दिन में है। तो हम ये डेढ़ दिन मॉस्को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज है उसका पहला दिन। तो अभी मैं ट्रेन से आई हूँ, हम सब ने रेस्ट किया, खाना वाना खाया, नाश्ता किया पूरे ग्रुप ने, और फिर अभी हम चल रहे हैं मॉस्को की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। तो आज तो प्लान है कि हम क्रूज़ जाएंगे, तो लेट्स सी क्या क्या प्लान बनता है क्या नहीं। तो बहुत सारा सामान था तो सारा सामान हमने रखा, फिर फ्रेश हुए, नहाए धोए और नाश्ता किया, और अभी हम निकल गए हैं मॉस्को। और लिटरली जो भी कंट्री का कैपिटल होता है वो इतना ब्यूटीफुल होता है ना, क्या बोलूँ मैं। जो हमें हॉस्टल मिला है वो हॉस्टल भी इतना इतना प्यारा है, एकदम कम्फी सा है, छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। और मॉस्को की स्ट्रीट, ओ माई गॉड, बहुत 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 अच्छी है। लेट मी शो यू। अभी जस्ट कॉन्वोकेशन हुआ था ये सब सीनियर्स का, तो मुझे था कि यार अभी 2 बज रहे हैं, तो मुझे था कि बहुत गर्मी होगी, इतनी टैनिंग हो जाएगी, पर आज मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ना, बिल्कुल सन नहीं है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। और आज मेरा मेकअप देखो, और मैं ना पूरा मेरा OOTD दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है। मेरा ग्रुप आगे चला गया तो मुझे उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो कैच यू सून। मॉस्को के मेट्रोज के बारे में बहुत सुना है, तो मैं कभी बैठी नहीं हूँ मॉस्को में मेट्रो में, तो एक्साइटेड तो हूँ। अभी मैं अंडरग्राउंड हूँ, मतलब मेट्रो स्टेशन के पास जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं, पहले उसका कार्ड करवाना है ताकि हम 2 दिन टैक्सीज को अवॉइड करें, क्योंकि टैक्सी यहाँ पर बहुत महंगी हो जाती है कभी कभी, और बहुत सारे लोग हैं हम, तो फालतू टैक्सी हो जाएगी, फिर हम ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम लोग मेट्रो से ट्रैवल करें। तो यहाँ पे हर जगह पे ना मैप्स भी दिए हुए हैं तो समझ आए। तो ये मेट्रो कार्ड है, तो देखो पहले तो कितना मस्ती कर रही हूँ। बहुत सारे ऑफर्स थे कि एक दिन के लिए तुम्हें ट्रैवल करना है, एक ट्रिप करनी है, तो समथिंग अराउंड 200-300 रुपये थे, पर हमारे 2 दिन समथिंग हो जाएगा, 24 घंटे काउंट होते हैं, तो हमने ये कराया है 650 पर पर्सन रूबल में, ठीक है। तो ये इतने का हुआ हमारा मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम जाएंगे, देखो लग जाओ। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हमारा एक फ्रेंड है जो अभी आ रहा था, मतलब इंडिया ही जा रहा था, पर वो बस में बैठा था, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको लगा कि कंडक्टर आएगा, कंडक्टर नहीं आया तो उसको स्ट्राफ लग गया। तो भाई यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है चीज़ें करने में। तो हमारी जो मेट्रो थी वो एक कनेक्टिंग, मतलब अभी हमें एक चेंज करनी है जहाँ पर हमें जाना है उसके लिए, तो वही करते हैं। और आज ना एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रीट में अगर हो पाए तो मैं जाऊँगी, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप सोचो कि जो मेट्रो होगी वो कितनी अंडरग्राउंड आती होगी, लाइक पता नहीं सबको थोड़ा वो लग रहा होगा कि ये क्या है, बिंदु से बातें कर रही, पर मेरे लिए ये सब थोड़ा है क्योंकि मैं मॉस्को में पहली बार मेट्रो में बैठ रही हूँ। जैसे इंडिया में 7 सिस्टर्स हैं, वैसे यहाँ पे भी 7 सिस्टर्स हैं, मतलब एक जैसी सेम बिल्डिंग है। ये है रेडिसन होटल, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हटना नहीं,
मशहूर होटल है ये वाली, हमारे उलारस में भी है पर ऐसी नहीं है, सिर्फ रेडिसन है वो, और ये बहुत बड़ी है और ऐसे सेम बिल्डिंग और सेवन है ना, हाँ तो ऐसे सेम बिल्डिंग और छः है, ये जो दिख रही है पीछे सेम डिटो वैसे की बस। तो अभी हम चल रहे हैं क्रूज की तरफ, बहुत ज़्यादा ही धूप है। तो जिस क्रूज़ में हमें जाना था रेडिसन क्रूज़, तो वो तो सारी सोल्ड आउट है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक सोल्ड आउट है वो, तो अनफॉर्चुनेटली उस पर तो नहीं कर पाए, पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है बोट के क्रूज़ के, तो एक और जगह मिली है तो लेट्स सी उसमें क्या सीन है। थोड़ा सा दूर है, हम काफ़ी चल के आए हैं और बहुत ज़्यादा ही धूप लग रही है, अभी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। वो क्रूज़ तो नहीं पॉसिबल हो पाई थी, तो हमें ये नॉर्मल सी क्रूज़ मिली है, दिख तो ये भी माशाल्लाह दे दी। हेलो गाइस, तो आज हम निकल रहे हैं क्रेमलिन में, देखेंगे और देखेंगे मॉस्को का बहुत बड़ा एक्वेरियम, और आज ना मैंने ये थोड़े से एफर्ट्स डाले बाल बना, अरे कैमरे पे चले, हाँ ब्रेड्स बनाई है इसकी, मुझे तो पता नहीं कैसे बनी है, अभी फ़ोटोज़ में देखूंगी, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो निकाल दूँगी। अभी हमने मेट्रो ली और मेट्रो से अभी हम आ गए हैं VDNK पार्क, और इस पार्क के बाद हमें जाना है मॉस्को के एक्वेरियम में, जो बोलते हैं मॉस्क्वेरियम, तो वो बहुत ही अच्छा है, मैंने देखे वीडियोज़ फ़ोटोज़ में देखे, बहुत बहुत अच्छा है। और अभी ये जा रहे कोई तो पार्क में, VDNK पार्क मैंने जो बताया, तो देखते हैं पार्क में जाए। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये है एक क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट का म्यूज़ियम है, तो इसमें तो हाँ, और उधर एक टीवी टावर है। थैंक्स ब्रो। आई गेस उधर जाना है पीछे, और समर वेकेशंस है तो काफ़ी भीड़ है, और मुझे लग रहा है बहुत ही प्यारा लगेगा पूरा, प्यारी प्यारी शॉप्स है ना, मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, अब मुझे कहीं पे आइसक्रीम मिल जाए, क्योंकि मेजरली ना बेकरी आइटम्स मैं खाती नहीं हूँ बाहर की, मतलब कुछ मैं एग्स डाला होता है ये वो, और सॉसेज और ये सब बेच रही है लोग, तो मेरे लायक तो आइसक्रीम लग रहा है मुझे, मैं आइसक्रीम देखती हूँ मुझे मिल गया तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, और यहाँ मैंने जिलेटो जो होता है ना वो खाऊंगी, बहुत मस्त लगता है यार, इंडिया के आइसक्रीम वेल है वो जिलेटो के सामने, लेट्स सी कहीं पे मिलता है, मैं आपको शॉप्स दिखाती हूँ। जैसे आज भी मौसम एकदम अच्छा हो रहा है, कल तो फिर भी धूप आ गई थी, आज तो फिंगर क्रॉस सही है सब। और ये इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, मतलब एकदम मस्त आसमान, एकदम साफ साफ सा है, सब लोग चले जा रहे हैं, पूरे वॉक कर रहे हैं, एकदम अच्छी अच्छी स्ट्रीट्स है, पास में ऐसे शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, लाइक मैगनेट्स और ये सब,
फ्रिज मैग्नेट्स और ये सब मॉस्को की याद और ये सब ले जा सकते हो। और बहुत बहुत एकदम शांति है यहाँ पे, सब लोग घूम रहे हैं, लाइक पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा हो। और ये पीछे ना इतना अच्छा एकदम सूदिंग म्यूजिक चल रहा है, तो एकदम मज़ा आ रहा है कि बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। आई नो कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा, पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ के म्यूज़ियम बनाए गए हैं, तो अभी जब कथा ये मेरे पीछे है वो कजाकिस्तान का है, दिख रहे हैं, दिखाती रुको। तो मैं घूमना होना तो 2 दिन लगेंगे क्योंकि बहुत सारी पर इतना टाइम नहीं है। हम मुझे बेसिकली ये एक्वेरियम ही देखना है क्योंकि एक्वेरियम के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब कुछ खाते हैं। आइसक्रीम ले लिए ये रेस्टोरेंट में बैठने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, हम लेके आए ऑलरेडी खाना और वेज में इतने ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो मैंने आइसक्रीम खा रही हूँ। और हम उपमा बना के लाए हैं घर से, तो सब लोग उपमा खाएंगे और आइसक्रीम। म्यूजियम का इंतज़ार था, मैं उसमें एंटर कर रही हूँ और देखते क्या है। अरे तो शॉप्स हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एयरपोर्ट की, जैसे पहले तो टिकट विकेट लेनी पड़ेगी और फिर होगा। आईज देखो भाई इसकी, उसके बाद में ऐसा इन्फॉर्मेशन दे हुए स्पीसीज और सबका नाम कहाँ से है ओरिजिनेटेड है वो, और 3 kg तक बड़ी हो सकती है मतलब, और फिर 50 cm तक हो सकती है और 20 साल तक रह सकती है ये वाली फिश। भाई ये है अंदर, कहाँ है भाई तू, ये फिश है ये वाली, नहीं फिश नहीं बच्चों। ये मुच्छड़ फिशेस हट रहे, इतने पास आ रही है आंटी, मुंह में घुस जाओगे क्या उसके। फिश दिखाई थी ना वो इतनी इतनी बड़ी हो सकती है और 80 साल तक जी सकती है, और ये वाली 110 ईयर्स तक, तो टन वजन भाई साहब। दांत देखो दांत, अरे इधर आओ मैडम, दांत दिखाओ अपने, यस सुन लिया लगता है इसने, टाइगर फिश सुंदर है पर यार ये देखो ये फिश प्रेग्नेंट है। ये देखो शर्म है नहीं बच्चों को, धीरे बोलो करो ना, ब्लॉग चल रहा है तुम्हारा। टैंक्स बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, आई
नहीं आई भाई, तो ब्यूटीफुल है यार ये अपने में खुद में ही। मैं मस्त फ्रॉग खाती हूँ, देखो कभी देखे नहीं होंगे ऐसे फ्रॉग आपने। भाई मुझे लगा कि ये ऐसे ही रखा है पर ये जिंदा है। आंखें खोल ले भाई, भाई आंखें खोल। आज तक मैंने कभी ब्यूटीफुल नहीं बोला, ये कसम से ब्यूटीफुल फ्रॉग है। प्यारा यार ये देख, मुझे पहले लगा प्लास्टिक रियल फ्रॉग है भाई साहब। उसको दिखाने के लिए 3x करना पड़ेगा। हाँ ये रे रे, ये छोटी है ये फिश, ये इतनी रहती है, बड़ी नहीं होती है। यहाँ पे भी होंगे ना कोई, यहाँ पे है पर छुप गई ये। क्रॉल करने वाली फिश दिखाती हूँ, देखो वो सामने जो फिश है ना, ये सिर्फ क्रॉल करते हैं। करो भाई कैमरा चालू किया तो तुम क्रॉल नहीं कर रहे। ये रही, ये रही, ये देखो हाँ ऐसे ऐसे। और ये उसके बाजू में ना ये भी फिश है, क्या मस्त मस्त स्पीशीज है यार। आप लोग सब्सक्राइब कर दो तभी चलेंगे। ये वाली फिश देखो पीछे, ये दिख रही है ये वाली, ये फिश है पूरी पूरी लंबी सी काली सी। ओ भाई क्या है, कितने प्यारी प्यारी फिश है, सब अपने अपने में ब्यूटीफुल है। देखो वो वाली फिश, देखो ये वाली यार कितनी प्यारी है। सारे ब्लू है, कुछ ऑरेंज है, कलर इतने प्यारे, कितने भरे हो गए इनमें कलर्स। ये देखो जैसे फिश है, होट बढ़ा लेती है ये सारी, इन्हें भी फ्लिपर कर। ओ भाई क्या ग्लिटर है इसके पास। और अभी हमें इस पार्ट में एंटर करें ना जिसमें ऊपर भी फिशेज हैं भाई, बड़ी 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 फिश है। और ये टैंक कितना बड़ा है, ऊपर भी फिश, सामने भी फिश, बाद में फिश 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 फिश। हाँ ये देखो ऊपर, देखो ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फिश है। ओ भाई साहब ये कितनी बड़ी है, हटना नहीं। क्लास में फिश गलत बनाओ ना तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। स्क्वायर फिश भी आती है देख लो, स्क्वायर है पूरी पूरी, इधर से ऐसे बनाना आपसे नहीं आती ऐसे तो मेरा ब्लॉग दिखा देना। ये फिश
जलपरा ऑल्सो एग्जिस्ट। ओ कुछ डाल दे, कुछ डाल दे, कुछ डाल दे, उधर चलते उधर उधर डाल रहे हैं यार। ये खा, ओ शिट, मूवमेंट डाल दिया डायरेक्ट। ओ वाओ, खाने में भी फिश ही डाल रहे हैं फिश के लिए। देखो बस, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ये देखो, ये मैंने करा है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे 900 का करके दिया है, पर अच्छा करके दिया है। और हाँ, इतने में खत्म नहीं हुआ है एक्वेरियम पूरा। और ये देखो, ये गोले में जाना है। अब तो ऊपर ऊपर भी फिश रहेगी, अब बड़ी बड़ी फिश आएगी आई गेस। हाँ, अभी बड़ी बड़ी फिश आएगी भाई साहब। आज मैं कसम से असली के शार्क टैंक में आ गई मैं। ये रही शार्क्स भाई, छोटी छोटी शार्क्स है ऊपर से, बोरी 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 भाई साहब। ऊपर से जाएंगे पूरा घूम के, ओ भाई साहब, तो भूत से भी डरावनी है। वाओ यार, ये कितने प्यारे फिश है यार। जाड़ी देखो भाई, मैं तो पतली हूँ, और अगर ये स्विम कर सकती है तो मैं भी स्विम कर सकती हूँ। और जो आपको ये बोलते हैं ना कि तुम मोटी हो, बाहर पानी आ जाएगा, नहीं आता भाई, देख लो ये कर रही है। एक्वेरियम क्या मस्त एक्वेरियम था। अब देखते हैं आगे के क्या प्लान्स हमारे।
चलो बाय बाय। में बहुत 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 मज़ा आया और ये बहुत प्रिटी लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये मतलब ये मैंने ऐसा ना पहली बार कराया है कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ोटोज़ में बहुत मस्त आ रहा है। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो अभी 3 बज रहे हैं, अभी हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं क्योंकि सबके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है। और क्रेमलिन जो है वो सुबह तो हम सब ने देखा हुआ है एक एक बार मॉस्को में, पर रात की लाइट्स जो है ना वो बहुत प्रिटी होती है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि रात को आए, तो अभी क्रेमलिन हम सब रात को आएंगे। तब तक हॉस्टल चलते हैं मेट्रो में। यहाँ पे आ रहे हो ना एक्वेरियम पे, तो यहाँ पे एक बस, इलेक्ट्रिक बस आती है जो फ्री में आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगी। ये देखो हम अभी यहाँ पर है, तो ये यहाँ से पूरा ऐसे घुमा के आपको ये MM यहाँ पे सिंबल होता है मेट्रो का, तो VDNK के मेट्रो पे छोड़ देंगे। जो बेस्ट रहता है मेट्रो, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर है हमारे हॉस्टल से ये, पर इतना जल्दी आ गए ना, ऑलमोस्ट 15 मिनट में आ गए, तो बेटर रहता है कि टैक्सी के 1500-2000 रुपये ना दो और ये ऐसे मस्त क्या बोलते हैं मेट्रो कर लो। और मेट्रो में हमने 3 दिन के कुछ पैसे दिए थे, अराउंड 350 कुछ था पर पर्सन, और वो जितना भी तुम अनलिमिटेड तक घूम सकते हो मेट्रो में, तब ईजी रहता है मेट्रो कसम से। VDNK अपन कर रहे हैं, तो VDNK का फुल फॉर्म कुछ है विस्ताव का दोस्ती जेनी नारोद नोगो खोस्तिस्वा, हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया था और फिर बहुत धूप थी, तो हमने सोचा शाम के टाइम पे रेड स्क्वायर चलेंगे, तो अभी हम लोग चल रहे हैं रेड स्क्वायर की तरफ। उधर है क्रेमलिन और बहुत कुछ है, मैं दिखाती हूँ। हिस्ट्री ऑफ रशिया का सब्जेक्ट तो स्किप कर दिया था फर्स्ट ईयर में, पर अभी थोड़ा दुख हो रहा है। तो सब रेड स्क्वायर बेसिकली फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, और जो जो भी रशिया में पढ़ता है, जो जो भी रशिया आता है, तो उसके प्रोफाइल में क्रेमलिन का फ़ोटो तो होगा ही होगा, देख लेना, क्योंकि वो यार इतना अट्रैक्टिव है ना, वो पूरा पूरा जो कैसल टाइप जो है वो बहुत मस्त है, और वो फ़ोटो में इतना ऐसे निखर के आता है ना, मज़ा आता है उसको ऐसे फ़ोटो में देखने में। मैंने लास्ट टाइम खिंचाया था पर वो इतना अच्छा नहीं आया था, तो इस बार मैं पूरी तैयार हूँ क्रेमलिन के साथ फ़ोटो लेने के। प्यारा सा क्यूट सा मोदी भी आया हुआ है, किसी ने मतलब बिल्कुल भी कुछ बोला ना उसके बारे में कमेंट सेक्शन में, तो देख लेना और अनसब्सक्राइब भी मत करना मेरे को उनकी वजह से, पर वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मुझे पसंद है वो, तो अभी वो मॉस्को आए हुए हैं तो पता नहीं कहाँ पे होंगे, सेंटर पे कहीं पे आइसक्रीम खाते हुए मिल जाए तो मिल लूँगी उनसे। रूबियांका मेट्रो स्टेशन से क्रेमलिन जाएंगे, तो विथ स्वान, यह है हमारा कार्ड, ये हमारे दरवाजे खुल चुके हैं और ये हम चल गए। इतना अंडरग्राउंड है ये, तो फिर भी कम है, हम बहुत सारे मेट्रो स्टेशन गए थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। ये देखो फूल बेच रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। रेड स्क्वायर इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैफेज है ना यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे हैं, दिखाएंगे आगे जाएंगे तो। ये आ गए हम क्रेमलिन पे, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। अभी दिखाऊंगी मैं फोटो भी थंबनेल में लगाऊंगी एक, अगर अच्छा आया होगा तो। अगर थंबनेल में मैंने क्रेमलिन का फोटो लगाया है इसका मतलब कि फोटो अच्छा आएगा, मुझे पसंद है। जगह है जहाँ पे लेनिन की डेड बॉडी प्रिजर्व करी हुई है, अभी तक करोड़ों लाखों खर्च कर देते हैं हर साल उस बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। अभी शायद उस चीज़ की एंट्री बंद हो गई है, अगर होगी तो मैं पक्का दिखाऊंगी। ये जो है ना इसमें बेसमेंट में रखी हुई है जगह क्रेमलिन के पास, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़े से लेट है तो ये जगह बंद है। देखो कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रखा है यहाँ पर, हो रहा है। और वहाँ पे ना एक स्ट्रीट है वो भी बहुत प्यारी है, वो देखेंगे। ये देखो और ये रहा अपना क्रेमलिन। वैसे ना जैसे जैसे समर्स में यहाँ पे जो सनसेट है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है, लाइक अभी 8:30 हो गए हैं लेकिन बिल्कुल भी अभी इतना उजाला है, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ है। जैसे जैसे अंधेरा होगा ना, ये देखो ये लाइट्स ऑन हो गए हैं, जैसे अंधेरा होगा ना ये इतना प्रिटी दिखने वाला है ये सब कुछ, ये सब सब सब। पर
8:30 तो हो गए, हम टाइम से भी इसलिए आए थे कि चलो ये लाइट्स वाइट्स अच्छी दिखेगी, पर यही बात है कि इधर सनसेट ही इतना लेट होता है। हमारे उलियानस में भी यही था, 10 बजे होता था सनसेट, अब यहाँ पे भी हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब देखते हैं रात का ये नज़ारा दिखने मिलता है कि नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा ना हमें वेट नहीं करना, फोटोज़ खींच रहे हैं सब लोग बहुत सारे। और समर है इसलिए, बाकी विंटर्स में जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल इतनी कोई पब्लिक नहीं थी, पर मेजरली रशियंस और अलग अलग सिटीज़ के जो भी है वो कैपिटल घूमने मेजरली समर्स में आते हैं, क्योंकि विंटर्स में ना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है, बहुत सारा स्नो और ये सब की वजह से। तो बस यही है, मैं स्ट्रीट दिखाती हूँ आपको पूरी, तो एक स्ट्रीट दिखाने वाली हूँ, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी, आई डोंट नो कि कैमरा जस्टिस करेगा कि नहीं, पर देखो ये पूरा ना पूरा डेकोरेट करा हुआ है ऊपर से पूरी स्ट्रीट। अब जैसे जैसे अंधेरा होगा ना ये अच्छा लगेगा, ये पूरा रेड स्क्वायर। कैमरामैन वालों को देख रही हूँ, ये तो डांस करके हट रहे हैं अपना, पर ये देखो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। प्यारे प्यारे एकदम एस्थेटिक एस्थेटिक मस्त मस्त है यहाँ पे कैफे, एयरपोर्ट जैसे समझने वाले को इशारा कर। ऐसा लग रहा है ना कि कहीं पे एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं, बट ये नॉर्मल यहाँ का वो है मैकडी के बाजू में, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। मैंगो एंड ऑल जितना मॉस्को खूबसूरत सुबह है उतना ही खूबसूरत मॉस्को रात को है। ओ माई गॉड द नाइट व्यू, एकदम स्ट्रीट सब लोग एकदम रिलैक्स कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स, द नाइट वॉक आई हैड, लाइक बहुत मज़ा आया मुझे। और नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी सो हम लोग हॉस्टल गए, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट व्लॉग एयरपोर्ट का ज़रूर देखना, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब टू व्लॉगर राव।